कांग्रेस पार्टी की मेयर प्रत्याशी संगीता जायसवाल गुरुवार को प्रातः लोहिया पार्क लोगों से मिलने पहुंची और शहर के बदलाव को लेकर चर्चा की। आम जनता की भीड़ ने उनको घेर लिया और लखनऊ के विकास को लेकर उनकी बातों को समर्थन किया। इसके बाद संगीता जायसवाल कांग्रेस पार्टी से पार्षद प्रत्याशी मोहम्मद अशफाक लाला के यहाँ कार्यालय पहुंची, जहां पर मुख्य रूप से राजेश जायसवाल, सुनीता रावत, रामपाल आदि सैकड़ों की भीड़ उपस्थित थी। इस मौके पर ऑक्सीजन मैन राजेश जायसवाल ने कहा कि जब कोरोना काल में सरकार ने ऑक्सीजन के सिलेंडरों के दाम बढ़ाकर हजारों लोगों को मरने पर विवश कर दिया था, बिना खाए पिए लोग हजारों मील पैदल चल रहे थे और लाचार हो गए थे, वो दिन हमें आज भी याद है और इस चुनाव में हमें उन सब चीज़ों का हिसाब लेना है। कार्यक्रम में सभी वक्ताओं ने आपसी सौहार्द को लेकर एक साथ चलने और पंजे के निशान को मजबूत करने की अपील की। इसके बाद वार्ड में विशाल पदयात्रा हुई, जिसमें मेयर प्रत्याशी संगीता जायसवाल और मोहम्मद अशफाक लाला ने अपने समर्थकों के साथ कांग्रेस पार्टी को समर्थन देने की अपील की। इसके पश्चात संगीता जायसवाल का काफिला कल्ली पश्चिम के निर्दलीय पार्षद प्रत्याशी रामेश्वरी देवी के यहाँ पहुँचा। उनके साथ कांग्रेस पार्टी के प्रांतीय अध्यक्ष नकुल दुबे भी मौजूद रहे। यहाँ पर सभी ने रामेश्वरी देवी के चुनाव चिन्ह उगते सूरज और हाथ के पंजों पर वोट करने की अपील की। जी के चुनाव उद्घाटन के अवसर पर आए हैं, क्या शुभकामनाएं देना चाहेंगे और क्षेत्र की जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? मैं अशफाक जी को एक तो शुभकामना ये देती हूँ, ये भारी मतों से जीत कर आए और जनता के लिए जैसे सेवा रत है वैसे ही सेवा रत है और जिस भावना से ये काम करते जनता के लिए वाकई सराहनीय है। जनता से मैं ये जरूर अपील करूंगी वो एकजुट हो जाए और बाहर निकले कांग्रेस पार्टी को अपना भारी मतदान देने के लिए। इन्होंने जैसे काम किया है जनता जिस अगर उससे खुश है तो वाकई अशफाक लाला जी ने वाकई काम किया जैसा कि जनता बता रही है। अपना भारी अपना कीमती वोट मैं चाहती हूँ आप अशफाक लाला जी को दें, मुझे दें। जिस तरह से क्षेत्र की जनता का सहयोग आपको मिल रहा है, ये बाहर की भीड़ यहाँ लोग बैठे हैं, महिलाएं हैं, ये किस तरह का माहौल आपको अनुभव हो रहा है? इनका प्यार सम्मान देखकर तो एहसास हो रहा है कि कांग्रेस ने अपनी पैठ बनानी शुरू कर दी। लोग उनसे पूछते हैं उनका जनाधार बिल्कुल नहीं, आप कैसे जीतेंगे? मैं कहती हूँ उनका जनाधार बढ़ता जा रहा है, ऐसे जैसे इन अशफाक लाला जी लोग जैसे काम करने वाले वाकई जनाधार तो आपका आगे तक जाएगा। बहुत बहुत शुभकामना बोल रहा हूँ। उद्घाटन के अवसर पे आए हैं, अशफाक जी को क्या शुभकामना देना चाहेंगे जो फल वाले के नाम से मशहूर हैं और तमाम लोगों को सहयोग कई वर्षों से करते आ रहे हैं? मैं यही कहूँगा ऐसे लोग आज भी हमारे देश में हैं जिनको इससे मतलब ही नहीं होता है कि हम हिंदू हैं या मुस्लिम हैं या कौन सी जात से हैं, उनको एक ही मतलब होता है कि हम इंसान हैं। यदि ऊपर वाले ने भेजा है तो हमारा एक ही काम है कि सबको सेवा करना। धर्म जात पात ये तो हम लोगों ने बनाया है, ये ईश्वर ने बना के नहीं भेजा, ये अल्लाह ने बना के नहीं भेजा है। तो अशफाक लाला जैसे लोग यदि हमारे देश में हैं, इससे देश आज भी उसी ईमानदारी से काम कर रहा है। पार्षद प्रत्याशी के तौर पर कांग्रेस पार्टी से उतर रहे हैं, किन किन मुद्दों को लेकर उतर रहे हैं और जनता का क्या समर्थन मिल रहा है आपको, उसके बारे में बताइए। तो जनता का तो सब मिल ही रहा है, कोई तो कमी हो नहीं रही है। तो जो भी नगर निगम का काम है वो हमें करना है और नए नगर निगम में पहले से हम थोड़ा सा काम करते हैं, जनता इसलिए नहीं। क्या क्या मुद्दे हैं, क्या क्या है आपको लगता है कि इस वार्ड में आपको इस मुद्दे यही है? कचरा भरी हुई है, पानी का कोई ठिकाना नहीं है, नालियों का कचरा भरा हुआ है, नालियाँ बदतर गंदी हो रही हैं,
किसी को आधार कार्ड बनवाना हो तो नगर निगम पैसा साइन कर दीजिए कि हमारे पास है, आप सभासद से लिखवा लाइए। सभासद के पास जाते हैं तो सभासद कहता है भाई हमारे पास है नहीं। अब ये तो ये किसी की फसल है किसी क्या है, मतलब नगर निगम को ये मतलब आज अधिकार है तो वो समझ के काम कर रहे हैं, कहा देते हमारा सभासद काम ही नहीं करता उनका, मतलब कोई काम है समर्थन नहीं किया है जनता यहाँ मीडिया के माध्यम से। क्या आप हम कि आएंगे हम नालियाँ गलियाँ जो गली हैं सब नालियाँ गलियों को वो सब देखभाल करेंगे और कोई कंप्लेन हमारी पास से नहीं है। चैनल देशपद न्यूज़ को बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब लाइक और शेयर जरूर करें।